गाइस वेलकम टू माय चैनल एबीरॉकज़ज़, यहाँ पर फ्रोसिन ऑन वर्सेस एम्पोली के बीच मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा 11 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो फ्रोसिन ऑन और एम्पोली में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा फ्रोसिन ऑन को। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ फ्रोसिन ऑन को फेवर। देखिए 2021 के बाद पहले तो इन दोनों टीम्स के बीच मैच हुआ नहीं, और 2021 में एम्पोली टीम इटालियन सीरी बी लीग में खेल रही थी, ठीक है, और ये है सीरी ए लीग। तो इसमें किसकी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एम्पोली की थोड़ना है। एम्पोली तो टॉप 5 के अंदर रहना मुश्किल है, टॉप 10 के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है एम्पोली का। असली प्रोग्रेस है फ्रोसिन ऑन की भाई, जो इटालियन बी से क्वालिफाई होकर इस इटालियन सीरी ए लीग की टीम्स को फेस कर रही है, और फेस ही नहीं कर रही, हरा भी रही है। तो मैं इसलिए फ्रोसिन ऑन टीम को बहुत बड़ा मान रहा हूँ यहाँ पर। इतने अच्छे प्रदर्शन, इतने अच्छे आंकड़े हैं भाई टीम के, अपने इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को इन्होंने हराया इस साल, उसके बाद उनके लिए एम्पोली टीम कोई बड़ी टीम नहीं है। अगर सही में अच्छी प्रैक्टिस और विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस के खेलेंगे तो हो सकता है ये जीत हासिल करें। बाकी एम्पोली टीम की स्ट्राइकिंग थोड़ी अनप्रडिक्टेबल है, तो हो सकता है वो इन्हें दिक्कत दे। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो पहले तो मैं फ्रोसिन ऑन का प्लेयर लूंगा जिसका नाम है मैटियस सॉल। पिछले मैच में मैटियस सॉल था और एम कूनी भी था, बट मार्विन कूनी तो यार एक अलग लेवल का बंदा है। एक्चुअली एम कूनी को तो मैं कहूँगा कि ज़रूर लो, मतलब तो मेरा ऐसा मानना है कि एम कूनी तो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब कई लोग तो नहीं लेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि एम कूनी कभी भी चलता दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मैच में चलेगा, कभी भी आपको एक अच्छी प्रोग्रेस करता दिखेगा। और ई ग्यासी की बात करें, देखिए ग्यासी और इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है निकोलो, ठीक है, ये दोनों अच्छे हैं। और एफ कैप्यूटो काफ़ी पुराना और बेटर खिलाड़ी है, बट यू हैव टू टेक ओनली वन प्लेयर। या तो आप ई ग्यासी के साथ जाइए, ठीक है, या आप लीजिए यहाँ से इनका एक प्लेयर जिसका नाम है अपना एफ कैप्यूटो, बट कैप्यूटो इज़ अ पेनल्टी टेकर और कई बार ग्यासी भी लेता है पेनल्टी, तो दोनों में से एक लेना है। आई एम गोइंग विथ कैप्यूटो। और दो मिनट, शायद एक प्लेयर बदल गया मेरे से, नहीं, तो आगे बात करते हैं मिडफील्डिंग की, सॉरी। तो मिडफील्डिंग अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले जिस खिलाड़ी को अपन लोग लेंगे वो है ग्रासी। देखिए ग्रासी का प्रदर्शन जेन्युइनली बहुत अच्छा है, ये पिछले मैच के अंदर जो हर बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो रीज़न ये नहीं है कि ये हर मैच में गोल करेगा, रीज़न ये है कि वो बिना गोल करे जो 30-35 पॉइंट दे जाता है ना, वो बहुत अच्छे हैं। सो मैं इसलिए ग्रासी को लेता हूँ। इसके बाद बात करें तो इनका अगर आप एक और प्लेयर लेना चाहते हैं ले लीजिए आग बंद करके, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन टीम की अगर मैं बात करूँ उनका तो मैं ज़रूर लूँगा एक प्लेयर जिसका नाम है लूका। लूका के बाद, लूका खेलता है नहीं खेलता वो बात की बात है, और एक प्लेयर है यहाँ पर इनका रीनियर, रीनियर को भी मैं जरूर लूँगा। ये दोनों प्लेयरों ने पूरी की पूरी टीम को भाई प्रेशर में रख दिया है सामने वाली। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की यहाँ बात चल रही थी, तो हाँ मैं उनकी बात कर रहा था। मेराइन लेना तो आपको पॉइंट देने का दम रखता है विदाउट एनी गोल, अपना 10-15 पॉइंट। और वाई मैले की बात करूँ तो ये थोड़ी उम्मीद जगाता है, एक आधी असिस्ट की। और बेल्डेंसी जो प्लेयर है वो इतना अच्छा फॉर्म में है नहीं। तो आपको मैंने सारा बताया कि इनकी टीम में क्या है। तो आपको फेजिनी के बारे में अगर बताऊँ, फेजिनी तो ये है कि जो लोग तुक्के मारते हैं ना टीम बनाते वक्त, उसको वो लोग लेते हैं। तो इसलिए आप अब देखो क्या करना है, क्योंकि आपके पास डिफेंडिंग ऑप्शन में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मिडफील्डर ही लेना है, आप चाहो तो डिफेंडर के साथ भी जा सकते हो। अब डिफेंडिंग में आपको बता देता हूँ, इतने अच्छे अच्छे इनके डिफेंडर्स हुआ करते थे। मेरा जो देखिए एक इनका ये बंदा, एक इनका वह जी पेजेला, अगर ये खेलेगा तो हो सकता है अच्छा प्रदर्शन करे। उसके बाद नहीं खेलता तो समझ जाओ मैं हर बार की तरह ल्यूपेटो को लेने को फेवर कर मतलब बोलूँगा। और इबुई की बात करें, इबुई फर्स्ट डिफेंडिंग में इतना खास चला तो नहीं है, सो लेपूटो बनता है। और ऑपोजिशन टीम की बात करें दैन पी लिरोला, लिरोला के बाद अगर रोमगनॉली मान लो आज भी इतना अच्छा प्रदर्शन अगर करता ना भी दिखा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो मोरोवर सबकी टीम में रहने वाला है। और आगे से अगर बात करें इनके फोर्थ डिफेंडर की, दैन दैट वाज सी ओकॉली। सी ओकॉली अगर खेलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं खेलेगा तो मैं बदल दूंगा, बट मेरे को ओकॉली से कुछ एक्सपेक्ट है आज। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर लेंगे एम्पोली टीम का प्लेयर एर्टिट बैरिशा। एर्टिट बैरिशा जुवेंटस के खिलाफ 4 सितंबर को जोरदार पेनल्टी सेव, और 24 अक्टूबर को फ्योरेंटिना के खिलाफ 7 गोल सेव, भी एक भी गोल नहीं कंसीड करने दिया था उनको। तो दिक्कत है ये बंदा बहुत बड़ी ऑपोजिशन टीम के लिए, FRO को इसको बीट कर रहना पड़ेगा। तो बात करें कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है दैट वॉज एम सॉल। मैंने पिछली बार एम कूनी को रखा था, मैं बड़ा दुखी था, मैंने कहा किसको रख लिया मैंने, तो इसलिए मैं आज रीनियर के साथ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैजिटनेली का खेलना तय नहीं है। अगर लूका मैजिटेली खेलेगा तो हो सकता है मैं रीनियर को हटा के मैजिटेली को रखूँ, बट सोचेंगे अभी अभी आप इसको सेव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।